नसीहत के बहुत से आदाब हैं और नसीहत के अंदर बहुत सी हिकमतें छुपी होती हैं कि नसीहत बाज़े मरतबे ऐसे मौके पे की जाती है जो कड़वी होती है, लेकिन नसीहत का असल रुख नसीहत हमेशा वहां करनी चाहिए जहां जज्बा मोहब्बत पाया जा रहा हो। जहां जज्बा मोहब्बत नहीं पाया जा रहा वहां नसीहत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां नसीहत का नुकसान की वजह से जो नसीहत है उसको वाज कहते हैं। वह हुआ यईज़ु, वो वाज कह रहे थे। अंबियाए मुरसलीन ने अपनी उम्मत को जो पैगाम पहुंचाया है वो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजीर से ताबीर फरमाया, बशीर से ताबीर फरमाया कि वो नजीर है। नजीर मतलब डराने वाला, बशीर मतलब बशारत देने वाला। तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजीर से ताबीर फरमाया है, यानी डराने वाला, तख्वीफ अल्लाह की जात से के अहकामात बताने वाला। उसके आदाब और हैं, लेकिन जो नसीहत की जाती है उसके आदाब और हैं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन की तरफ भेजा तो हुक्म दिया कि उससे जो फकूला लहू कौल लय्यिन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा, कि आप उससे नरम बात कीजिए। तो नसीहत में हमेशा मोहब्बत जरूरी होती है, खैर खाही। नसीहत अद्दीन अन नसीहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि नसीहत मुस्तकिल खैर खाही है। तो दीन जो है वो खैर खाही का नाम है। चाहे अगर दिल में दूसरे के लिए नफरत है और वहां वाज कर रहा है तो जाहरी बात है वो लहजा भी गलत होगा और अंदाजे बयान भी थोड़ी जल्दी नसीहत करने में जल्दी करते हैं, इससे नुकसान हो जाता है, इससे परेशानी होती है कि नसीहत अपने वक्त पर असर करती है। हर वक्त बच्चों को समझा रहे हैं मुनासिब नहीं है। जब बच्चे सोने वाले हों उस वक्त नसीहत करें, अच्छा फायदा देती है। जब बच्चों को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं उस वक्त नसीहत करें, फायदा देती है। जब बच्चे दस्तरखान पे बैठे हुए हैं उस वक्त नसीहत करें, ज्यादा फायदा देती है। चलते फिरते भी नसीहत कर रहे हैं, उठते बैठते भी नसीहत कर रहे हैं, इससे नुकसान हो जाता है। तो नसीहत के बड़े आदाब हैं, बड़ी किताबें इसके ऊपर लिखी गई। आम तौर पर नसीहत में जो गलती होती है वो ये गलती होती है कि हम उस नसीहत को इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाते हैं, भाई इसका ये रिजल्ट आना ही आना है, और उस रिजल्ट को सामने रख के हम नसीहत करते हैं। ये गलती है, इससे आवाम में भी गलती पैदा होती है और लोगों का भी। इसलिए करते हैं कि सामने वाला इम्प्लीमेंट करे और करे करके रहे, ना 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 ये बात सही नहीं है। सामने वाले को बता देना, हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन 10 साल के बाद हो सकता है 20 साल के बाद, हो सकता है 40 साल के बाद हो। तो ये हमने इसको नहीं देखना कि मेरी नसीहत पे अमल हुआ या नहीं हुआ। हमारा काम नसीहत करना है, अपनी औलाद को नसीहत करें। नहीं मानते, अब गुस्सा चढ़ रहा है, क्यों क्यों जी? नसीहत को हमने समझा कि इस पे तो अमल होना ही होना है। चुनाचे एक साहब हजरत थानवी के पास है और कहा कि हजरत मुझे मशवरा दीजिए। हजरत ने फरमाया मैं आपको मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। हजरत क्यों? फरमाया आप मशवरे को हुक्म समझते हैं, हालांकि मशवरा मशवरा होता है। इतनी बुनियादी बात समझ के, मशवरा और चीज है, हुक्म और चीज है, ऐसे ही नसीहत और चीज है, ऑर्डर पास करना और चीज होता है। मां बाप अपनी औलाद को नसीहत करे, हुक्म ना दे, नसीहत करे। हुक्म देने से नुकसान हो जाता, बड़े नुकसान।